बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा पाँचवीं के गणित में अध्याय 14 धारिता के बारे में। और बच्चों इस पाठ में हम सीखने के प्रतिफल M514 के तहत देखेंगे धारिता मापन के इकाई मिलीमीटर, मीटर का उपयोग कर दूध आदि तरल पदार्थों को हम कैसे मापेंगे, लीटर को मिलीलीटर में बदलना, मिलीलीटर को लीटर में बदलना और कुछ इबारती सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उन चीज़ों से जो आप पहले से जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको। क्या इन चित्रों से आप परिचित हैं? बिल्कुल परिचित हैं, क्योंकि जब आपके घर कोई दूध देने वाला आता है तो ऐसे ही मापनी का उपयोग कर आपको दूध प्रदान करता है। साथ ही साथ बच्चों जब आप दुकान जाते हैं और तेल को लीटर में मांगते हैं तो दुकानदार भी ऐसे मापनी का उपयोग कर आपको आधा लीटर, एक लीटर या पाव भर तेल देता है। अब देखिए इस चित्र को, ऐसे चित्र आप कहाँ कहाँ देखते हैं, देखे हैं ना? बिल्कुल देखे हैं। आप राशन की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर मिट्टी तेल देने के लिए आपको ऐसे बर्तन देखने को मिलता है। साथ ही साथ पेट्रोल पंप में भी ऐसे बर्तन कई बार देखे जाते हैं। लेकिन बच्चों आप पेट्रोल पंप जाते हैं तो कुछ और चीज़ देखते हैं, और वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉनिक मापनी होता है। जैसे आप चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे जो मीटर होता है उससे भी हम लीटर को माप सकते हैं। तो इस प्रकार की मापनी आप प्रायः देखते रहते हैं। अब देखिए इस चित्र को, ऐसे चित्र आप कहाँ कहाँ देखते हैं? ऐसी शीशियाँ होती हैं जिसमें मीटर लिखा हुआ होता है। आप जितना माप का दूध या कोई तरल पदार्थ चाहते हैं उतना ऐसे बर्तनों में माप सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों आजकल बाल्टियों में भी ऐसा चिन्ह आपको देखने को मिलता है जिसमें कुछ लाइनें खींची होती हैं, जैसे यहाँ पर शीशी में खींचा हुआ है, और उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखा रहता है जिससे भी पता चलता है कि उस बाल्टी में कितने लीटर पानी आ सकता है। मग्गों में भी आजकल ऐसे चिन्ह देखने को आपको मिलता है। तो इन सब चीज़ों से परिचित हैं आप, यहीं से हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप इस ये भी जानते हैं बच्चों यहाँ पर कि 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर, ठीक वैसे ही 500 मिलीलीटर बराबर होता है 1/2 लीटर या आधा लीटर, 250 मिलीलीटर बराबर होता है 1/4 लीटर या पाव लीटर। इन सब चीज़ों को आप पहले से पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखकर बताइए कि 2000 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर होता है। ठीक ऐसे ही 5000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है ये आप देखकर बताइए। 3600 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर और कितना मिलीलीटर होता है ये भी आप देखकर बताइए। ठीक ऐसे ही बच्चों 4050 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर और कितना मिलीलीटर होगा ये भी आपको यहाँ पर खाली जगह में नोट करना है। चलिए कुछ चीज़ों को हम आपको बता देते हैं। जैसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर 2000 मिलीलीटर बराबर होता है 2 लीटर, है ना? वैसे ही 5000 आपको स्वयं भरना है। 3600 मिलीलीटर बराबर होता है 3 लीटर और 600 मिली लीटर, ऐसे ही बाकी खाली स्थान को आपको अपने से भरना है। और हो सके तो ऐसे प्रश्न बनाकर अपने साथियों के साथ चर्चा भी करनी है आपको, और अपने बड़ों के सहयोग से कुछ और प्रश्न बनाकर बार बार अभ्यास करेंगे तो मिलीलीटर और लीटर की समझ आप में अच्छी होगी। अब बताइए 700 मिलीलीटर बराबर कितने लीटर होता है, ये तो सोचने की बात है ना? तो चलिए सब मिलकर सोचते हैं, विचार करते हैं। देखिए चूँकि 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर, कितना होता है 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर, इसलिए हम लिखेंगे 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर। बच्चों 1/1000 कहने का मतलब है 1 को हम 1000 से भाग देंगे, और इस बात को हम आपको दशमलव पाठ पढ़ते समय बता चुके हैं कि कैसे हम 1 को 1000 से भाग देते हैं और उसका परिणाम क्या आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि हम 1 को 1000 से भाग देंगे तो उसका उत्तर आएगा 0.001 लीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.001 लीटर। अब क्या करेंगे, जब हमको पता चल गया कि 1 मिलीलीटर बराबर होता है 0.001 लीटर, तब हम लिखेंगे इसलिए 700 मिलीलीटर बराबर 1/1000 गुना 700 लीटर। अब 700 को 1 से गुना करेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा
700 बटे 1000 लीटर। अब 700 को 1000 से भाग देना है आपको, तो उत्तर कितना आएगा, ये आएगा 0.700 लीटर। इस प्रकार से आप अंत में लिखेंगे, अतः 700 मिलीलीटर बराबर 0.700 लीटर। तो ये हो गया 700 मिलीलीटर को लीटर में बदलना। ऐसे ही 500, 200, 300, 400 मिलीलीटर को आप लीटर में बदलना सीखिए। अपने साथियों के साथ मिलकर कीजिए और बड़ों का सहयोग भी लीजिए, और जब स्कूल जाएं तो अपने शिक्षक से भी इस बारे में चर्चा कीजिए। अब बच्चों, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि 700 मिलीलीटर को हम लीटर में कैसे बदलते हैं। तब आप यहाँ पर दिए हुए खाली स्थान को भी भर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ पहला 375 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर, दूसरा आपको दिया हुआ है 125 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर। ऐसे ही आप देखिए 50 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर। बच्चों, हम आपको यहाँ पर बता दें, मिलीलीटर को अंग्रेजी में ml भी बोलते हैं। तो कई जगह बर्तनों में आपको m और l लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब होता है मिलीलीटर। तो अब हम मिलीलीटर की जगह ml भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 20 ml लिखा हुआ है, मिलीलीटर मतलब ml। तो 20 ml बराबर कितना लीटर, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। 8 ml बराबर कितना लीटर, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। 2 ml बराबर कितना लीटर, ये यहाँ पर आप लिखेंगे। चलिए कुछ प्रश्नों के जवाब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसे पहला देखिए, 375 ml बराबर होता है 0.375 लीटर। इसी प्रकार से 125 मिलीलीटर का मतलब हुआ 0.125 लीटर। ऐसे ही बच्चों, 2 ml का मतलब हुआ 0.002 लीटर। अब आइए सीखते हैं लीटर एवं मिलीलीटर में दी गई माप को लीटर में कैसे बदलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं उदाहरण नंबर एक, यहाँ पर 3 लीटर 200 मिलीलीटर में दी गई माप को लीटर में बदलिए, ये कहा गया है आपको। तो सबसे पहले हम हल करते समय लिखेंगे, 3 लीटर 200 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हमें 200 मिलीलीटर को ही लीटर में बदलना होगा। क्यों? क्योंकि 3 लीटर पहले से लीटर में है और 200 मिलीलीटर जो है उसको लीटर में हमको बदलना है। तो बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे 3 लीटर 200 मिलीलीटर बराबर 3 लीटर धन 200 मिलीलीटर। अब 3 लीटर को वैसे के वैसे रहने देंगे हम, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और मिलीलीटर जो लिखा हुआ है 200 मिलीलीटर, उसको हम लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 200 को 1000 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 लीटर धन 200 बटे 1000 लीटर। अब इसको आगे हल करेंगे तो 3 लीटर धन 200 को क्या लिखेंगे, 200 बटे 1000 को, 200 बटे 1000 को हम भाग देने के बाद लिखेंगे 0.200 लीटर। अब दोनों लीटर में बदल गया, पहले से 3 लीटर लीटर में है और 200 मिलीलीटर भी लीटर में बदल चुका है। तो अब हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा उत्तर, 3.200 लीटर। इस प्रकार से आप लिखेंगे, अतः 3 लीटर 200 मिलीलीटर बराबर हुआ 3.200 लीटर। आइए अब आपके पुस्तक में जो इबारती प्रश्न दिया हुआ है उसमें से हम प्रश्न क्रमांक 3 ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, मोहन प्रतिदिन 250 मिलीलीटर दूध पीता है। मतलब एक दिन में वो 250 मिलीलीटर दूध पीता है। 250 का मतलब हुआ एक पाव, है ना। हाँ, अब बताना आपको ये है कि 4 दिन में मोहन कितने लीटर दूध पी लेता है। बच्चों, आप तो जानते ही हैं 250 मिलीलीटर का मतलब क्या हुआ, एक पाव होता है ना। हाँ, ये आप शुरू में जान भी चुके हैं और पहले पढ़े भी हैं इसको। तो चलिए अब हमको बताना है 4 दिन में मोहन कितने लीटर दूध पीता है। तो बच्चों, इस सवाल को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके, एक तो हम 4 दिन के जो 250 मिलीलीटर दूध है एक एक दिन का सबको जोड़ लेंगे लाइन से और बता सकते हैं कि 4 दिन में मोहन कितना दूध पीता है। या फिर हम क्या करेंगे, 250 मिलीलीटर को 4 से गुना करके भी हम बता सकते हैं कि मोहन 4 दिन में कितने लीटर दूध पीता है। तो आइए सबसे पहले हम जोड़ने की क्रिया करते हैं। वहाँ पर 250 मिलीलीटर दूध पहला दिन का लिखेंगे, फिर दूसरा दिन का लिखेंगे,
फिर तीसरा दिन का और चौथा दिन का। इस प्रकार हम चार बार इसको लिख लेंगे और चारों को आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद उत्तर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर हम शून्य 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 को जोड़ेंगे, शून्य आएगा, पाँच 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 को चार बार जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 का शून्य लिखेंगे, हाँसी ले जाएंगे ऊपर, दो, और दो कितने बार पहले से है, चार बार, एक हाँसी और जोड़ेंगे दो तो हो जाएगा 10। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर 1000 मिलीलीटर दूध मोहन 4 दिन में पीता है। और आप बच्चों पहले से जानते हैं 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। इस प्रकार से आपका उत्तर होगा मोहन 4 दिन में 1 लीटर दूध पीता है, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं मोहन 4 दिन में 1000 मिलीलीटर दूध पीता है। अब आप सोचिए कि आप एक दिन में कितना दूध पीते हैं, या आपके भाई बहन कितना दूध पीते हैं, और उसको आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए निकाल के देख सकते हैं कि आप कितना कितना लीटर दूध पीते हैं। ठीक है, तो ये काम आप कीजिएगा। चलिए हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं इस सवाल को हल करने का। पहले बच्चों हम लिखेंगे मोहन एक दिन में 250 मिलीलीटर दूध पीता है, इसलिए 4 दिन का कुल दूध होगा, एक दिन का दूध बराबर क्या लिखेंगे हम, 250 मिलीलीटर, इसलिए 4 दिन का कुल दूध होगा बराबर हम लिखेंगे 250 × 4। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 250 × 4, मतलब 4 से हम सबसे पहले किसको गुना करेंगे, 250 की इकाई को, शून्य को गुना करेंगे, तो 4 शून्य हम शून्य लिखेंगे यहाँ पर। फिर हम 250 के दहाई को गुना करेंगे, दहाई में क्या है यहाँ पर, 5 है, तो 5 को हम 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 4 × 5 = 20, 20 का शून्य लिखेंगे, हासिल आ जाएगा हमारे पास 2। अब हम 250 के सैकड़े में जो 2 लिखा हुआ है उसके साथ 4 को गुना करेंगे, तो 4 × 2 = 8, हासिल हमारे पास पहले से है 2, उसको जोड़ देंगे 8 में, कितना हो गया, 10। इस प्रकार से हमारा उत्तर आया 1000 मिलीलीटर। हम लिखेंगे अतः मोहन 4 दिन में 1000 मिलीलीटर दूध पीता है, या इसी को हम लिख सकते हैं मोहन 4 दिन में 1 लीटर दूध पीता है। तो बच्चों इस प्रकार से दूध के संबंध में हमने बात किया। आप पानी को भी नाप के देख सकते हैं आप कितना पानी पीते हैं एक दिन में, और विभिन्न प्रकार के चीज़ों को आप, तरल पदार्थों को ऐसे ही बर्तनों में नाप कर आप बता सकते हैं कि आपके पास कितना दूध है, कितना पानी है, और खेल खेल में भी इसको खेलते रहेंगे तो मिलीलीटर और लीटर की समझ आपको अच्छी होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये पाठ यहीं पर, मिलेंगे नए पाठ के साथ फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।